Welcome to our exploration of the profound impact that sports and physical activity can have on the lives of young individuals. In this video, we will delve into the transformative effects of engaging in sports, examining how these activities go beyond the playing field to shape and enhance various aspects of lives necessary for the 21st century. This is a three-video series where we are going to meet the incredible young individuals, each of whom has experienced the life-changing benefits of sports and physical activities. Let's hear directly from them, one by one, as they share how these pursuits have shaped their 21st century skills. Today, we are going to meet Anita from Y Ultimate. She is going to talk about her experience with S4D and skill of critical thinking. Share a bit about yourself and the sports or physical activities you regularly participate in. Hello, मेरा नाम अनीता है एंड मैं 23 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं वाई अल्टीमेट के साथ पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ. तो मैं 8 साल से अल्टीमेट फ्रिस्बी खेल रही हूँ और अल्टीमेट फ्रिस्बी खेलते खेलते मैंने काफ़ी कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखी है. जैसे मैं पहले जब स्कूल में थी तो फिर मेरे से मैं बात नहीं कर पाती थी ओपनली और मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी कि एक पर्सन के सामने मैं कैसे अपनी बात रखूँ और अपनी ओपिनियन रखूँ. तो अल्टीमेट फ्रिस्बी के वजह से और फिज़िकल एक्टिविटी करने की वजह से मेरे को काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट आई है और मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं किस लोगों के साथ कैसे बात कर सकती हूँ. कम्युनिकेशन, टीम्स, टीम वर्क कैसे करना है, लाइक मेरी पूरी टीम है और ये जो अल्टीमेट फ्रिस्बी है पूरी टीम स्पोर्ट है. तो इसमें कैसे हम टीम वर्क के साथ साथ में मिलके एक चीज़ को अच्छे से प्लान कर सकते हैं, अच्छे से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने सीखी है इसमें. ऑल ओवर भी इम्प्रूवमेंट मेरी काफ़ी अच्छी हुई है. जैसे कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मैं कैसे बड़े बड़े भैया सर से किसी से भी बात करना है, कैसे बात करना है एंड प्रॉपर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकती हूँ मैं. एंड मेरे को फीडबैक भी मिलते हैं तो फिर एक होता है कि फीडबैक आप कैसे ले रहे हो, तो वो भी मैंने लेना स्टार्ट किया इन अ पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में. पहले मैं इतना ज़्यादा वोकल नहीं थी और इतना ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी. फिर मेरे को टीम ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा और मेरे को हेल्प किया कि कैसे आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं. और जो अल्टीमेट फ्रिस्बी है वो ऐसा स्पोर्ट है, सेल्फ रेफरीड स्पोर्ट है, तो उसमें क्या होता है कि आपको खुद ही अपना जो भी प्रॉब्लम होता है अपने सामने रखना पड़ता है और उसको रिजॉल्व करना पड़ता है. तो ये अल्टीमेट फ्रिस्बी से मैंने सीखा और मेरे को हेल्प किया भैया दीदी लोगों ने, मेरे टीममेट्स ने, कि आप कैसे अपनी बात सेफली रख सकते हो. तो एक सेफ एनवायरनमेंट मेरे को मिला कि मैं कैसे उस अपनी पॉइंट को रख के उसको हम साथ में रिजॉल्व कर सकते हैं टीम वर्क में. एंड जैसे टीम में भी मेरे को मैं अपनी टीम के कैप्टन भी रह चुकी हूँ और फिर उससे मेरे को काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं कैसे अपने ऊपर मेरे को काम करना है सबके साथ, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कैसे टीम को लेके आगे बढ़ सकती हूँ. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी और मैंने काफ़ी इन चीज़ों को इम्प्रूव किया अपने अंदर. अनीता एंड हर एक्सपीरियंस क्लियरली इलस्ट्रेट्स दैट एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज कैन इम्पार्ट वैल्यूबल लाइफ लेसन्स. दीज लेसन्स इन टर्न ऑफर इनसाइट्स इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पोर्ट्स व्हिच इंस्टिल्स द स्किल्स नेसेसरी फॉर लीडिंग अ सक्सेसफुल लाइफ इन द 21st सेंचुरी.